फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नेबीरॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई वो मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा ड्रीम इलेवन यूरोपियन लीग का एसटीटी वर्सेस एजेड यू टू थ्री के बीच। तो मैं आपको बता दूं ये मैच काफ़ी ज़बरदस्त है। तो मेरे हिसाब से जैसे कि आपको पता है एसटीटी इनका होम टाउन है जहाँ पे मैच होने वाला है, तो क्या पता यहाँ पे एसटीटी के प्लेयर्स खेले। लेकिन पिछली बार तो एसटीटी के प्लेयर्स इतने ज़्यादा मतलब जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं वो नहीं खेले थे, तो लो प्लेयर खेले थे। आज पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ। चलिए अब आपको टीम दिखाते हैं, बात करें आपको फाइनल टीम कहाँ मिलेगी लाइनअप्स के बाद आपको फाइनल टीम मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एबी रॉक ड्रीम इलेवन टीम्स। फटाफट आकर ज्वाइन करो भाइयों, और इधर आप आ सकते हो 100% विनिंग टीम हर मैच की एंड जीत सकते हो कुछ ऐसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाइयों मैच की और बात कर लें अगर हम इस मैच की, तो भाइयों एसटीटी वर्सेस एजेड यू23। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आप इसमें मीडियम इन्वेस्टमेंट के साथ हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर वाली लीग भी खेल सकते हैं। तो चलिए अब आपको टीम दिखाते हैं। टीम दिखाने से पहले ये बोलना चाहूँगा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर मैं यहाँ से विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर से मैं जा रहा हूँ आई जिया के साथ जो कि एयू टीम का काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है। भाइयों एक तो फ़ायदा क्या है कि ये बैटिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। विकेट कीपिंग अच्छी करे या ना करे, लेकिन जब इसकी बैटिंग आती तो बैटिंग में ये बहुत ही ज़बरदस्त खेलता है। अब देखो मैं पिछले मैच में काफ़ी हैरान हुआ कि एसटीटी अपने होम टाउन में भी बेकार खेल के गई, और एजेड यू23 भाइयों ज़बरदस्त टीम है और बहुत बढ़िया खेल के गई है। बात करें अगर हम बैट्समैन सेक्शन से, तो एफ चौधरी काफ़ी बढ़िया बैट्समैन है। मैं ये नहीं बोलता बैटिंग देखो मैं इसकी खासियत ये नहीं है, एक्चुअली ये जो बैट्समैन है ना ये सिर्फ दिखने का बैट्समैन है, एक्चुअल में है ये बहुत ही अच्छा बॉलर जो कि ये देख सकते हैं आप। बॉलिंग में भी इसने कुछ खास किया नहीं, तो इसने सिर्फ 3 कैचेस पकड़ी उस कारण इसके 29 पॉइंट हुए। तो इसको ओवर शायद देते तो है नहीं वैसे, अब पहले इसको मिल जाता था अगर पहले देखो इसने अपने प्रीवियस मैचेस में 1 से 2 विकेटें ले रखी हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वैसे बॉलर है पर इसको बैटिंग में रखा हुआ है और उन्होंने इसका पता है वैसे मेरे को। और वैसे मैं आपको बता दूं भाई ये नॉर्मल प्लेयर है, मैं ये नहीं बोलूँगा ऐसा खेलता है वैसा खेलता है, बहुत ही नॉर्मल खेलता है। आगे चले तो यहाँ से मैं लेने वाला हूँ भाइयों आपको पता है जेड नियाज़ी को, क्योंकि जेड नियाज़ी का आपको फ़ायदा क्या मिलता है। एक तो भाइयों 70 पॉइंट्स इसने प्रीवियस मैच में मारे, 47 रन 5 चौके और 3 छक्के, और भाइयों ज़बरदस्त प्लेयर, मतलब आउट ही नहीं हो रहा था ये प्लेयर भाइयों। और आगे नीचे चलूँगा जेड एलोजाई को, जो कि मैं आपको बता दूँ जेड एलोजाई कैसा प्लेयर है। 6 रन इसने प्रीवियस मैच में दिए और 2 विकेटें ली, यही बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये भाइयों विकटे बहुत लेता है, खतरनाक बॉलरों में से एक है भाई ये प्लेयर। बात करें ऑलराउंडर की तो ए हुसैन आज का मैच अगर खेला तो काफ़ी ज़बरदस्त खेलने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रीवियस मैच में तो था नहीं, लेकिन भाइयों मतलब अच्छा नहीं खेला था प्रीवियस मैच, लेकिन आज के मैच में कुछ अच्छा करना चाहे तो ये करके दिखा सकता है। एफ अहमद की बात करें, क्योंकि एसटीटी का काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, सिर्फ यही मुझे एक बढ़िया लगा बैटिंग में एसटीटी का, जिसने कि 5 चौके और 1 छक्का प्रीवियस मैच में मारा, टोटल 44 रन्स, और बॉलर भी अच्छा है भाइयों ये, पर बॉलिंग में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा। आगे से बात करें यहाँ से लूँगा एफ चौधरी को, तो एफ चौधरी दो हैं ध्यान रखना, दोनों ही लेने हैं आपने। तो इस एफ चौधरी का क्या फ़ायदा है, देखो इसकी बैटिंग आया ना आए, बैटिंग आ भी जाए तो जल्दी आउट हो जाता है, इसकी फ़ायदा आपको बॉलिंग देती है, बॉलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है इस प्लेयर की। आगे से बात करें बॉलिंग सेक्शन से, तो ए फेडर्स को लूँगा मैं यहाँ से, जो कि भाइयों प्रीवियस मैच में ओनली सिंगल विकेट लेके गया था, तो ज़्यादा उम्मीद तो मत करो, इतनी विकेटें ही मिलेंगी आपको क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम ही है भाइयों। एस खलील की बात करें तो ये भी प्रीवियस मैच में आप देख सकते हैं सिंगल विकेट लेके गया था, ये दोनों सिंगल मतलब तीनों ये सारे बॉलर्स पिछले मैच में सिंगल विकेट गए हैं, जैसे कि एस चौधरी ए खलील, तो सबकी सिलेक्शन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। मेरे हिसाब से आपके साथ आज के मैच में सेम टीम आ सकती है, ओपोनेंट की क्लैश हो सकता है भाइयों। जेड एलोजाई के साथ मैं जाने वाला हूँ कैप्टेंसी में, और वाइस कैप्टन एफ अहमद, अगर आप चाहें तो ये कॉम्बिनेशन को भाइयों ग्रैंड लीग में ट्राई करके देख सकते हैं, ट्राई करके, क्योंकि सबका कॉम्बिनेशन यही होगा। बाकी अगर आपको जीएल खेलनी है तो एक बार आप मेरे कहने पर जेड नियाज़ी को भी कैप्टन ट्राई ज़रूर करना, ये भी अच्छा प्लेयर है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।